नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जमीनी प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच तमिलनाडु की कुड्डालोर लोकसभा सीट से भविष्यवाणी करने वाले तोते के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो लोगों का भविष्य बताते हैं। दरअसल तोते ने कुड्डालोर लोकसभा सीट से किसको जीत मिलेगी उसको लेकर भविष्यवाणी की थी। इसके बाद तोते को कैद में रखने के आरोप में उसके मालिक सेल्वराज को गिरफ्तार किया गया है। तोते के मालिक पर उसे कैद में रखने के आरोप है। वन रेंजर जे रमेश ने दावा किया कि तोते को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें कैद में रखना एक अपराध है। वन अधिकारियों ने कहा कि सेल्वराज को चेतावनी और जुर्माने के साथ छोड़ दिया जाएगा, जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। ज्योतिष सेल्वराज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रविवार को जब वह और उनके साथी तोता जीत की भविष्यवाणी कर सुर्खियों में आए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तमिलनाडु की कुड्डालोर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। कुड्डालोर लोकसभा पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब मतदान की तैयारी चल रही है। इससे पहले सभी राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुड्डालोर सीट से डीएमके के टीआरवीएस रमेश ने पीएमके के डॉक्टर आर गोविंद स्वामी को करीब 1.5 लाख के अंतर से हरा दिया था। इस बार के चुनाव में बीजेपी और पीएमके के बीच गठबंधन है और पीएमके ने थंकर बचन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस डीएमके के बीच हुई डील में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है और पार्टी ने एनके विष्णु प्रसाद को उतारा है।